हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग में आज हम बात करने वाले हैं स्विच केस के बारे में। इसके पहले मैंने आपको बताया सी प्रोग्रामिंग के बेसिक इंट्रोडक्शन, सी प्रोग्रामिंग प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, और अब हम कवर कर रहे हैं एक एक पॉइंट, यानी कि हर चीज़ को अब कवर करते हुए हम थ्योरी और प्रोग्रामिंग एक साथ सीख रहे हैं। इसके पहले अगर आपने शुरुआत वाले वीडियो नहीं देखे तो उनको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट और प्रोग्रामिंग दोनों का इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब हम कॉन्सेप्ट को एक एक करके जल्दी जल्दी पढ़ने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं स्विच केस के बारे में। तो जैसे कि आपने इसके पहले इफ एल्स वाला केस देखा था, सेम वैसे ही है। बस इसमें क्या होगा, स्विच में एक कंडीशन रहेगी और वहाँ पे केस रहेंगे हमारे। मान लीजिए केस वन है, एक केस टू है, एक केस थ्री है, एंड सो ऑन। ऐसे हमारे केस रहेंगे। अगर वो केस को सेटिस्फाई करता है, अगर वो केस फॉलो करते हैं तो हमारा स्टेटमेंट रन होगा, अदरवाइज अगले केस को चेक करेगा और उसका स्टेटमेंट। और ये सारी चीज़ें यहाँ पे जाके आगे जो भी प्रोग्राम होगा, या फिर यहाँ पे अगर कोई आगे कोई प्रोग्राम नहीं है तो यहाँ पे एंड हो जाएगा। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि हमने प्रोग्राम कैसा बनाया है। तो ये हमारा उसका फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट जो होता है सबसे ईजी भी होता है किसी भी प्रोग्रामिंग स्किल को समझने के लिए, इसलिए हमने सारी चीज़ें फ्लो चार्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब मैं इसका सिंटैक्स लिखने जा रहा हूँ, तो अगर आपने फ्लो चार्ट नहीं बनाया तो इसको बना लीजिए, ताकि आप एग्जाम में इसको बना सकें और आप नंबर गेन कर सकें। अब हम बात करते हैं इसके सिंटैक्स की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और एग्जाम में बेसिकली सिंटैक्स बहुत बार पूछा जाता है कि इस किसी स्टेटमेंट का सिंटैक्स लिखिए। तो उसके लिए आपको लिखना क्या है, स्विच, और यहाँ पर आपका रहेगा एक्सप्रेशन, जिसका रिजल्ट आएगा आपका इंटीजर में। आपका रिजल्ट इंटीजर में आना चाहिए जो भी एक्सप्रेशन रहेगी, या तो आप यहाँ पे जो एक्सप्रेशन रहेगी उसका रिजल्ट इंटीजर में आना चाहिए। उसके बाद आपका यहाँ पे स्टार्ट होगा और आपका आएगा केस, केस वन। आपको यही कॉलम यूज करने हैं केस के लिए। तो केस वन यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट आएगा तो वो वन टू थ्री डॉट डॉट समथिंग ऐसा आएगा। तो उस तरह से आप यहाँ पे अगर वन टू थ्री आ रहा है, या फिर आपका मान लीजिए टू फोर एट आ रहा है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे केस बनाने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे डू दिस, ये हिस्सा आपका रन होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो केस टू डू दिस, और आपको हर इसमें ब्रेक लगाना है। अब ब्रेक का क्या यूज है और इसको क्यों लगाते हैं, ये हम जब ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे अगले वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में जब भी आएगा वीडियो, वहाँ पे हम आपको इसका यूज बताएंगे कि ब्रेक और इसका क्या रिलेशन है, एंड सो ऑन। और एक हमारा लास्ट केस होगा जिसको हम डिफॉल्ट केस बोलते हैं, डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट लगाने की हमें जरूरत क्या पड़ती है, मान लीजिए इनमें से कोई भी केस रन नहीं होता है। मान लीजिए यहाँ पे हमारा आउटपुट आ रहा है जीरो, या फिर मान लीजिए आउटपुट आ रहा है फाइव सिक्स सेवन, और हम यहाँ पे रखे हैं केस वन केस टू केस थ्री, तो हमारा ये रन नहीं करेगा। तब हमारे इस केस में डिफॉल्ट रन करेगा, और डिफॉल्ट हमारा रन करेगा, और डिफॉल्ट के बाद डू दिस, उसके बाद ये ब्लॉक, आपका स्विच स्टेटमेंट हो गया। इसके लिए मैं आपको एक प्रोग्राम बना के दिखा रहा हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मैं सी प्रोग्राम जो आपका सिस्टम पे प्रोग्राम होगा वो बनाऊंगा। अभी मैं बोर्ड पे आपको एक प्रोग्राम बना के दिखा दे रहा हूँ, और जब मैं सिस्टम पे प्रोग्राम बनाऊंगा तो वो थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि मैं सेम प्रोग्राम को दो बार एक्सप्लेन करने से अच्छा है कि एक नया प्रोग्राम बनाया जाए जिससे आपको प्रोग्रामिंग स्किल, क्योंकि सी सीखने का मतलब ये नहीं है कि आपको थ्योरी आनी चाहिए, सी का मतलब है आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, तो आपको प्रोग्रामिंग स्किल जो होगी वो डेवलप होगी। तो चलिए मैं एक प्रोग्राम बना लेता हूँ सी में। तो सबसे पहले तो आपको अभी तक याद हो ही गया होगा कि सबसे पहले लिखते हैंज इंक्लूड stdio.h, हैज इंक्लूड conio.h। ये आपको जरूरी नहीं है लिखना अगर आप सिर्फ इसको एग्जाम में या कहीं भी लिख रहे हैं, लेकिन अगर आप सिस्टम पे रन कर रहे हैं तो इसको आप लिखना जरूरी है। ये इसके बारे में मैं आपको पहले ही वीडियो में डिस्कशन कर चुका हूँ। उसके बाद आपका आएगा void main, उसके बाद हमारे यहाँ से मैन की बॉडी स्टार्ट होगी। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, हम एक इंटीजर लेते हैं, तो इंटीजर हम ले लेते हैं इंटीजर आई, और इसकी वैल्यू असाइन कर देते हैं टू। सिंपल सा फंडा है, इसकी वैल्यू हमने असाइन की टू। उसके बाद हम लगाते हैं स्विच केस, स्विच
स्विच केस, और इसमें हम वैल्यू डालते हैं, हम कोई एक्सप्रेशन डाल सकते हैं या कोई वेरिएबल डाल सकते हैं, बस उसकी वैल्यू जो है इंटीजर में आना चाहिए, तो हमने इंटीजर यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद हम लगाते हैं इसकी बॉडी जो हमारी होगी, उसमें हम लगाते हैं केस वन, सॉरी केस वन, और जैसे ही केस वन आता है, सॉरी यहाँ पे आपका इस तरह से आएगा केस वन, उसके बाद कॉलन आएगा। शायद मैंने अभी जो सिंटेक्स बताया था उसमें ये गलत बता दिया था, तो आप उसको करेक्ट कर लीजिए कि यहाँ पे पहले वन आएगा उसके बाद एक कॉलन आएगा, कॉलन आने के बाद वन नहीं आएगा बल्कि वन आने के बाद कॉलन आएगा। अगर आप केस वन की बात करें तो इसके अंदर हम कोई भी चीज प्रिंट करा देते, प्रिंट केस वन। अगर ऐसा नहीं होता है आप यहाँ पे सिलेक्शन लगाएंगे ताकि आपका न्यू लाइन में ट्रांसफर हो जाए। आप जितने भी बार प्रिंट एफ यूज करेंगे मैं सलाह दूंगा कि आप सिलेक्शन हर प्रिंट एफ में लगाएं ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से रहे। अब हम यहाँ लगाते हैं केस टू, यहाँ पे हम इसमें प्रिंट कराते हैं प्रिंट एफ केस टू सिलेक्शन, इस तरह से डॉट 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 आप जितने भी केस लगाना चाहें। और यहाँ पे मैं मान लीजिए दो ही केस लगाता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि स्पेस कम है तो मैं दो ही केस पे रहने देता हूँ। तो यहाँ लिखता हूँ डिफॉल्ट और यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट एफ डिफॉल्ट। और ये हमारा स्विच केस यहाँ बंद हुआ, उसके बाद हम लिखेंगे गेट सी एच, और ये हमारा मेन लूप है। ये देखिए ये वाला यहाँ बंद हो रहा है, ये यहाँ बंद हो रहा है। तो इस तरह से हमारा ये एक प्रोग्राम बन गया, उसका आउटपुट क्या आएगा, चूंकि आई की वैल्यू टू है तो यहाँ पे वैल्यू आएगी टू, और जब यहाँ पे वैल्यू आएगी टू तो केस नंबर चलेगा टू, और जब केस नंबर टू चलेगा तो प्रिंट होके आएगा केस टू। तो ये हमारा आउटपुट आएगा केस टू। अगर आप चाहें तो उसको अपने जो सिस्टम है उस पर रन करा के देख सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी पर एक प्रोग्राम बनाऊंगा जिसको मैं सिस्टम पर बनाऊंगा, ताकि आप प्रोग्राम एक आप इसको जरूर बना के देखिएगा कि आपका आउटपुट सही आ रहा है, सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद जो ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये हमारा एक सी पे प्रोग्राम था, अगले वीडियो में मैं सी पे एक प्रोग्राम बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।